नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है जो अभी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश में जॉब निकला हुआ है रेस्क्यू के लिए, रीजनल सेंटर फॉर अबेन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, जिसमें 61 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। हमने इसमें सारे डिटेल्स कवर किए हुए हैं, कितने वैकेंसीज हैं और किस प्रोफाइल के लिए ये जॉब निकली हुई है, और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितना इसका पेरोल है, सारे डिटेल्स हमने इस वीडियो में कवर किए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको सारे डिटेल्स जो है मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, अभी 21/9/2018 को नौकरी प्रकाशित हुई है ये उत्तर प्रदेश में, जो कि रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ लखनऊ के लिए निकली हुई है। बताना चाहेंगे दोस्तों, इसमें करीब 61 पोस्ट के लिए निकली हुई है, और इसमें जो डिफरेंट जो इनका प्लान है वो है, जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है अर्बन प्लानर के लिए। पहला जो प्रोफाइल है वो है अर्बन प्लानर के लिए, जिसके लिए एक पोस्ट है। दूसरा प्रोफाइल है जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग एंड अर्बन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट के लिए निकली हुई है, जिसमें भी एक प्रोफाइल है। और तीसरा है आईटी कम मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन स्पेशलिस्ट, इसके लिए भी निकली हुई, जिसके लिए कि करीब एक प्रोफाइल है। और इसका देखिए पेरोल आप देख सकते हैं, मैक्सिमम जो पेरोल 55,000 का है, 55,000 का है, 55,000 का है। ये हो गया SMMU के लिए, एट स्टेट मिशन डेकोरेटेड AMRUT के लिए है ये, जो है अभी इसके लिए निकली हुई है। और दूसरा है CMMU, जो CMMU के लिए है, इसके लिए देखिए पहला है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, इसके लिए 34 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके जो क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपने अर्बन प्लानिंग के लिए अप्लाई करना, तो इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन प्लानर मैनेजमेंट, एक्सपर्ट विद द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद मिनिमम 3 and 5 years ऑफ मैनेजिंग पोजिशन, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथिंग एंड अर्बन रिफॉर्म के लिए जो है स्पेशलिस्ट के लिए, ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डेवलपमेंट फील्ड अर्बन और सोशल डेवलपमेंट 3 to 5 years ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अर्बन रिफॉर्म्स। देखिए ITKM के लिए क्या है, मॉनिटरिंग के लिए जो है उसके लिए BTEC BE इन ITCS MCA IT फ्रॉम द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 3 to 5 year एक्सपीरियंस। अब देखिए CMMU के लिए क्या है, CMMU के लिए जो पहला है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट के लिए, उसके लिए है 34 वैकेंसीज, और इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है BTEC BE BSc इन सिविल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग MTEC इन्वायरमेंटल साइंस। नो वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, ये उनके ऊपर बताया गया कि ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसके लिए जो टोटल पेरोल रहेगा 45,000 रुपये का है। अर्बन प्लानर का है 22 प्रोफाइल दिए गए हैं, इसके लिए क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन प्लानिंग। और देखिए PPP स्पेशलिस्ट है इलाहाबाद के लिए, इसमें एक वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग कॉमर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, इसके लिए 45,000 जो है पेरोल रहेगा। एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विद बोर्ड मैनेजमेंट रेंज इन 45,000 जो इन रेंज इन एक्सपीरियंस विद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ है, इसका भी 45,000 है। ये वाराणसी के लिए है दोस्तों। बताना चाहेंगे इसका जो आपको ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बैचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है जॉब रहेगा, और इसकी जो लास्ट डेट है, ये जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 31/3/2020 तक रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये बढ़ भी सकता है, फर्दर डिटेल्स एंड TUR डॉक्यूमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, एंड ये जो वेबसाइट दिया गया वो इसको भेजने का सेंड द एप्लीकेशन, उसको इसी ईमेल आईडी पे भेजना है आपको, इसी ईमेल आईडी पे जो है एप्लीकेशन भेजना है, और 16/1/16/2018 तक भेजना है दोस्तों। बाकी डिटेल भी हम आपको दिखाएंगे, जो इनका TUR है वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है TUR, जिसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, स्टेट मिशन मैनेजमेंट SSMU है, सिटी जो है मिशन मैनेजमेंट है वो CMMU है, और ये इसके अंदर है SSMU और CMMU जो है। इनका टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या है, देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया गया है क्या है। यहाँ पर अर्बन प्लानर का इन्होंने बता दिया है कि इसमें क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन प्लानिंग एंड 3 to 5 years जो मैंने आपको पहले बता दिया, साथ साथ इसमें इन्होंने बताया कि जॉब रोल का होगा, ओवरऑल कम
ये है कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद इसी तरह इसका भी बताया हुआ है, ये टर्म ऑफ यूजेस है, कैसे कैसे आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया किस ग्रेजुएशन के लिए और आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका पूरी डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अब इसको भेजने का वो क्या है, जो मेल आईडी मैंने आपको दिखाया पहले, उस मेल आईडी पर भेजना है और इस फॉर्मेट में लिख के भेजना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है फॉर्मेट, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट का नाम लिखेंगे और ये डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विद द रेफरेंस ऑफ द एडवर्टाइजर नंबर, जो एडवर्टाइजर नंबर है ये आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद उसको पूरा डिटेल फिल करना है और फिर आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका डेट है, सिग्नेचर है, ये सब यहाँ पर मेंशन करना है आपको। यहाँ पर फिल करने के बाद ये दूसरा है आपका नेम, जो है नेम ऑफ एक्सपर्ट, आपका नाम से जो भी आपका सेक्स है, उसके बाद ये डिटेल्स जो है मेंशन करने हैं सारे, ये आपको इनको कन्वर्ट करने हैं। फिर आपको वर्ड में भी आप भेज सकते हो, उसको पीडीएफ में भेज सकते हो, उसको इस मेल आईडी पे, ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको उसको स्कैन कर लेना है, या तो फिर आप इसमें एडिट करके भर सकते हैं, तो उसको भरना है, इसको सारे डिटेल्स आपको देने हैं। और उसके बाद ये एक तरह से सीवी आपका बना के लास्ट में डेट और सिग्नेचर करके आपको ये भेजना है उस मेल आईडी पे। दोस्तों ये तो थी इसकी बेसिक डिटेल्स जो उसके लिए कि आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो है सिर्फ टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो आप उसको अप्लाई करें तो उसको प्रॉपर एक बार इन्वेस्टिगेशन जान जाएं, इसके बारे में पूरी तरह से समझ के उसके बाद ही इसको अप्लाई करें, और इसको फिर उसके बाद आप भर सकते हैं, इसका मेल कर सकते हैं। और जो भी डिटेल्स है फर्दर इसके नोटिफिकेशन पर भी आप देख सकते हैं, अपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हमने, तो आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमें अपने राय कमेंट में दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें अभी अभी के अभी, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कर सकें और हम इसी तरह आपके लिए जानकारी वाले वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।